अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सर सवेरा के साथ मैं हूँ महविश चौधरी। यकीनन आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को बहुत ही खुशगवार तरीके से इंजॉय कर रहे होंगे। एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं बहुत ही ज़बरदस्त मौजू के साथ। और आज चूँकि 5 अक्टूबर भी है, तो जैसे हम सब जानते हैं कि आज टीचर्स डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और बहुत ही मुअज़्ज़ज़ हस्ती है टीचर हमारे लिए, क्योंकि वालदैन हमें जन्म देते हैं लेकिन जो टीचर है वो हमें इस मुआशरे के अंदर चलना सिखाता है, आगे बढ़ना सिखाता है, हमें कहाँ कब कौन सा स्टेप लेना है, कौन सा फ़ैसला करना है वो हमें सिखाता है। हमारी पूरी जो परवरिश है वो हमारे टीचर के हाथ में होते हैं। हमें अच्छा इंसान बनाने के पीछे टीचर का बहुत अहम रोल है। तो आज चूँकि हम टीचर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं और जानेंगे कि क्या इस सिर्फ दिन को सेलिब्रेट करना ही एक मकसद रह गया है या फिर उस पर अमल करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे डेज़ आते हैं जो हमें याद होते हैं। टीचर्स डे है, पेरेंट्स डे है, फादर डे है, मदर डे है, हम उनको सेलिब्रेट तो कर लेते हैं लेकिन उसके पीछे जो एक विजन होता है, जो प्रॉपर हमने उसको एक अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना होता है, उसको हम फॉलो नहीं करते हैं। तो इस पर आज बात करेंगे कि सिर्फ इस दिन को मनाने की हद तक ही हमने याद रखना है या फिर उस पर अमल भी करना है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो सोसाइटी के अंदर टीचर्स का क्या अहम रोल है, क्या किरदार है, किस तरह उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली अगर आज कल हम देखें तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं अनफॉर्चुनेटली वो अपने टीचर को उस तरह नहीं रिस्पेक्ट दे पा रहे जो कि एक मुअज़्ज़ज़ टीचर का और जो एक उनकी उनका मकाम है, जो वो चाहते हैं, जो वो डिज़र्व करते हैं, वो नहीं दे पा रहे हम अपने टीचर्स को। वालदैन को इवन हम वो रिस्पेक्ट नहीं दे पा रहे, तो टीचर जो हमें इस सोसाइटी के अंदर सर्वाइव करना सिखाता है वो हमारे लिए बहुत ही आम हस्ती है। तो इस पर भी बात करेंगे कि सोसाइटी के अंदर जो हमारे उस्ताद हैं उनका क्या मकाम है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें, एक नारा है मार नहीं प्यार, तो क्या ये मार नहीं प्यार जो है इसकी वजह से हमारे स्टूडेंट बहुत लापरवाह होते जा रहे हैं, अपने जो उस्ताद हैं वो अपना मकाम खोते जा रहे हैं, इस नारे की वजह से जो स्टूडेंट उनके अंदर एक डर या रिस्पेक्ट जो है वो ख़त्म होती जा रही, इस पर भी आज हम बात करेंगे। और इसमें टीचर के साथ साथ वालदैन का कितना अहम रोल है इसके अंदर वो भी हम इस पर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम बढ़ते हैं वेदर अपडेट की जानिब कि आज का मौसम हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। जी, सबसे पहले बात करते हैं इस्लामाबाद की, जहां ज्यादा से ज्यादा 32 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 22 डिग्री सेंटीग्रेड। बात की जाए लाहौर की, जहां ज्यादा से ज्यादा 32 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 25 डिग्री सेंटीग्रेड। कराची का हवाला आपको बताते चलें, जहां ज्यादा से ज्यादा 33 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 26 डिग्री सेंटीग्रेड। बात करते हैं पेशावर की, जहां ज्यादा से ज्यादा 33 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 24 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेटा का हवाला आपको बताते चलें, जहां ज्यादा से ज्यादा 30 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 12 डिग्री सेंटीग्रेड। रुक करते हैं गिलगित बल्तिस्तान का, जहां ज्यादा से ज्यादा 22 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 11 डिग्री सेंटीग्रेड। आखिर में बात करते हैं मुजफ्फराबाद की, जहां ज्यादा से ज्यादा 31 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 15 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जी, वेलकम बैक। और स्टूडियो में मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनका तारुफ करवाते हैं जिनसे आज के इस मौजू पे हमने इन डिटेल बात करनी है। सबसे पहले स्टूडियो में जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, जी आप माहिर तालीम हैं अकीला आसिफ साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, खुश आमदीद, बहुत शुक्रिया। उनके साथ तशरीफ फरमा है, आप भी माहिर तालीम हैं, डॉक्टर अब्दुल बासित मुजाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। सरसवरम में खुश आमदीद, बहुत शुक्रिया। जी, उनके साथ तशरीफ फरमा है, आप भी माहिर तालीम हैं, डॉक्टर समीना मलिक, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे हैं, खैरियत से? सरसवरम में खुश आमदीद, बहुत शुक्रिया। जी, बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का, आपने हमें ज्वाइन किया। और नाज़रीन आपको भी बताते चलें, अगर आज के इस मौजू पर आप हमें ज्वाइन करना चाहें, अपनी राय का इजहार करना चाहें, तो नंबर स्क्रीन पर मौजूद हैं। इसके साथ साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी हमें लाइव कॉल के जरिए ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं।
जी अकीला साहब, आपसे आगाज़ करते हैं आज, चूँकि टीचर्स डे है, आप भी टीचर हैं, सबसे पहले टीचर की अहमियत को उजागर करना बहुत ज़रूरी है, बयान कीजिए। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। सबसे पहले तो मैं सच सवेरा का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने यहाँ हमें बुलाया और हमें इस अहम मौजू पर बात करने के लिए दावत दी। असल में आज टीचर्स डे जो है, डे तो अगर आप तालिब इल्म हैं तो आपके लिए हर डे जो है वो टीचर्स डे है। बिल्कुल। लेकिन अगर आप इसको स्पेसिफिकली सेलिब्रेट ही करना चाहते हैं या मनाना ही चाहते हैं या इसको टीचर्स डे का या उस्तादों के दिन का नाम देना चाहते हैं, तो उसमें सबसे पहली बात यह है कि हमने अपने माशरे को असल में ये महसूस करवाना है, ये रियलाइज़ कराना है कि आपकी सोसाइटी के अंदर एक जो स्किल्ड मैन पावर है, जो एक तरबियत याफ्ता अफरादी कुव्वत मौजूद है, वो टीचर्स की शक्ल में मौजूद है। सही। और टीचर्स को आमतौर पे मैमारे कौम भी कहा जाता है। बिल्कुल। अगर जैसे आपको कोई इमारत बनानी है तो उसके लिए जितना अच्छा मैमार होगा, यानी इमारत बनाने वाला होगा, उतनी ही खूबसूरत इमारत बनेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरह से अगर किसी कौम में अच्छे उस्ताद मौजूद हैं तो वो एक अच्छी कौम को तश्कील देंगे। बिल्कुल। अभी जो हमें हमारे तालीम निज़ाम तालीम में जो मसाइल नज़र आते हैं, उसमें मैं सबसे ज़्यादा जो ज़िम्मेदारी जिनके ऊपर है वो हमारे असातिज़ा कराम के ऊपर ही है। इसमें इसके मुस्बत पहलू भी हैं और इसके मनफी पहलू भी हैं। बिल्कुल, नेगेटिव और पॉजिटिव जो पहलू भी होती हैं। अब्दुल बासित साहब, आपकी तरफ बढ़ते हैं, चूँकि आज टीचर डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो क्या सिर्फ इस दिन को मनाना ही हमारे पास रह गया कि बस हमने सेलिब्रेट करना है इस दिन को एंड दैट्स इट, उसके बाद हमने इस दिन को भूल जाना है? इसका जवाब मुझे चाहिएगा, लेकिन चूँकि अभी ब्रेक की जाने बढ़ना है तो हमारे साथ रहेगा, देखते रहें सच सवेरा। सरसवरम, एक दफ़ा फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे, चूँकि आज हम टीचर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, और अगर आप भी इस मौजू पे हमें अपनी जो राय है वो हमारे साथ शेयर करना चाहें या कुछ भी ऐसी सजेशन देना चाहें, तो लाइव कॉल के जरिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे मौजूद हैं। इसके साथ साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पे मौजूद है। अगर आप कोई सवाल करना चाहें हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, कोई भी आपके माइंड में ऐसा क्वेश्चन, टीचर से रिलेटेड, स्टूडेंट से रिलेटेड कुछ भी आप एडवाइस लेना चाहें, तो लाइव कॉल के जरिए ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। जी डॉक्टर साहब, आपकी तरफ आते हैं, जैसे मैंने ब्रेक पे जाने से पहले सवाल किया था कि टीचर डे सिर्फ मनाने की हद तक काफ़ी है या फिर उस पर अमल भी करना ज़रूरी है, या हम पूरा साल हर दिन टीचर डे सेलिब्रेट कर सकते हैं? मैं समझता हूँ कि हमारी तहजीब, हमारा कल्चर, हमारी तारीख और हमारी पहचान हमें जो दर्स देती है वो ये है कि सिर्फ हर दिन नहीं, हर लम्हा उस्ताद का दिन है। सही। मैं आपके सामने यहाँ बैठकर अगर बात कर रहा हूँ तो ये सदका है मेरे असातिज़ा की खाके पाका। बिल्कुल, कि बिल्कुल। उन्होंने मुझे सिखाया कि कैसे बात की जानी चाहिए, और फिर हम अल्लाह के फजल से उम्मते मुस्लिमा से ताल्लुक़ रखते हैं, और हमारे लिए ये एज़ाज़ है, और इस प्रोफेशन में जो लोग अल्लाह ने जिनको ये मौका दिया है उनके लिए भी एज़ाज़ है कि इस कायनात के सबसे बड़े जो उस्ताद हैं, मुअल्लिम हैं, वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम हैं, जिन्होंने खुद फरमाया कि बुइस्तु मुअल्लिमा, मुझे उस्ताद बनाकर भेजा गया है। और फिर उस्ताद की जो मेन जिम्मेदारी है, जिसको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं इरशाद फरमाया, आपने फरमाया बुइस्तु मुअल्लिमन लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक, मुझे उस्ताद बनाकर भेजा गया है ताकि मैं मकारिम अखलाक अखलाक सिखाऊं। और यही वो असल जिम्मेदारी है। उस्ताद सिर्फ हर्फ नहीं सिखाता, वो सिर्फ लिखना नहीं सिखाता, वो मेंटोरिंग करता है, वो इंसान की पर्सनालिटी को बनाता है। जैसे इस कायनात के उस्ताद ने अपने इर्द गिर्द साथियों को, सहाबा कराम रिदवानुल्लाह अजमाइन को, अहले बैत अतहार को, उनको कैसे निखार कर सामने लेकर आए, तो मेरा ये जो व्यू पॉइंट है वो ये है
कि हर दिन उस्ताद का दिन है। मैं खुद इस पेशे से मुंसलिक होने के साथ साथ मेरा कोई ऐसा तालिबे इल्म नहीं है कि जो मेरे असातिज़ा से वाकिफ ना हो। मैं समझता हूँ कि ये कर्ज होता है उस्ताज का कि जब जब आप दस्त बदुआ हो तो उनके हक में दुआ करें, जब जब आप राष्ट्रम के सामने खड़े हों तो आपको वो गैर मरई वेव्स के जरिए वो असातिज़ा आपकी पुश्त पर खड़े आपको नजर आए, आपको राह रास्त दिखाते हुए नजर आए, आपको गुफ्तगू का सलीका, आपको उठने बैठने का सलीका, आपको लिखने और पढ़ने का सलीका सिखाएं। ये मैं समझता हूँ कि है। और एक और बात जो मैं कहना चाहूँगा, दिन तो दिन ये जो मनाया जा रहा है ये तो कल की बात है। उस्ताद तो हमेशा से है, जब से इब्तिदाए आफरीनिश है उस्ताद का मकाम अपनी जगह पर मौजूद है। ये तो अभी 1966 के अंदर यूएन के अंदर एक रिकमेंडेशंस हुई और वो यूनिसेफ और आईएलओ ने एक रिकमेंडेशन दी जिसकी बुनियाद पर 1994 से डिक्लेयर हुआ इस दिन को टीचर डे के तौर पर मनाया। सही हो गया, बिल्कुल टीचर डे मनाना चाहिए, अपने टीचर का हर लम्हा एहतराम करना चाहिए पूरा साल। जब जब आप अपने आप बुक खोलते हैं, आप कुछ रीड करना चाहते हैं, कुछ भी आप सलाह मशवरा कर रहे होते हैं, कुछ भी आप सोसाइटी के अंदर कुछ करने जा रहे होते हैं, तो आपके टीचर का आपको जो सिखाया हुआ इल्म है वो आपके माइंड में आता है। तो आपको हर लम्हा टीचर की रिस्पेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वालदैन हमें पैदा करके टीचर के हाथ सौंप देते हैं, हमें वो सोसाइटी के अंदर सर्वाइव करने के काबिल बनाते हैं। हमारे अंदर कौन सी ऐसी सलाहियतें मौजूद हैं वो टीचर पहचानता है। हो सकता है हमारे पेरेंट्स को पता ना चलता हो कि हमारा बच्चा क्या बन सकता है, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, वकील बनेगा, टीचर बनेगा, क्या बनेगा, वो हमारे पेरेंट्स हमें नहीं जज कर पाते, लेकिन एक टीचर वो बच्चे के अंदर छुपी उन तमाम सलाहियतों को उजागर करता है जो एक बच्चे के अंदर अल्लाह पाक ने रखी होती हैं। तो डेफिनेटली कोई शक नहीं कि टीचर का मकाम बहुत ही आला मकाम है। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आते हैं, आज जैसे आप भी जानती हैं टीचर डे सेलिब्रेट हो रहा है, तो डॉक्टर साहब सिर्फ जैसे मैंने कहा कि हम दिन मनाते हैं लेकिन उस दिन के बाद फिर हम भूल जाते हैं, हमें नहीं पता कि उस दिन को हमने टीचर के साथ कितने, मतलब हमेशा टीचर के साथ प्यार मोहब्बत से बात करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, टीचर आ रहे उसको जगह दे, एहतरामन खड़े हो जाएं। बट अनफॉर्चुनेटली मौजूदा दौर की बात करें, हमारे जो स्टूडेंट हैं उनमें ऐसे कोई भी ऐसा शहूर उनमें नज़र नहीं आता। क्या कहती हैं? जी बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा डॉक्टर साहब ने इसका आगाज़ किया है। बात यह है कि दिन मनाना बनता है इसलिए कि ये एक्चुअली रिमाइंडर है, जिसमें डॉक्टर साहब ने कहा कि ये अगर 2066 में शुरू ना भी होता, वह कॉन्फ्रेंस ना भी होती और फिर यूनेस्को ने जिस तरह से स्टार्ट किया 1996 से, इसको प्रैक्टिकली तमाम कंट्रीज इसको जो फॉलो कर रही हैं, ये ना भी होता तो जो हमारे मज़हब ने इसको मकाम दिया है उससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसे ही, इस लिहाज से देखा जाए तो हर दिन ही टीचर का दिन है, हर दिन ही स्टूडेंट का दिन है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और अपने राइट्स के लिए किसी एक दिन को मुख्तस करना नहीं बनता, लेकिन चूँकि ये ज़रूरी भी है, हर दिन जिस तरह से मनाते हैं अल्लाह पाक की तरफ से है, ईदों का दिन होता है, त्यौहारों का दिन होता है, वालिदैन का दिन होता है, तो इस तरह से एक दिन मुख्तस करना एक लिहाज से अच्छा भी है कि ये हमें याद दहानी कराता है। ठीक हो गया, ये सिर्फ ये बात नहीं है कि हम टीचर को प्रेज करें, उनकी तारीफ करें, बल्कि ये टीचर्स के लिए भी एक रिमाइंडर है कि उसके फराइज क्या है और फिर माशरे की क्या जिम्मेदारियां हैं कि वो टीचर्स को किस तरह से रिटर्न बैक करें। एग्जैक्टली, तो इस लिहाज से दोनों के ऊपर ही बड़ी गहरी जिम्मेदारियां हैं। देखा जाए तो हमारे माशरे में जो मकाम उस्ताद का होना चाहिए वो उस तरह से आज तक उस्ताद अर्न नहीं कर सका, नहीं कर पा रहा। बिल्कुल, वो चाहे वो आप गवर्नमेंट लेवल पे बात करें, माशरे के दूसरे जो हमारे सेगमेंट है वहाँ पर बात करें, तो वो अगर आप देख लें कि हमारी सोसाइटी में अगर फैमिली में ही एक मेंबर अगर CSS ऑफिसर है और एक टीचर है तो भले वो ग्रेड में कम होगा लेकिन उसकी वर्थ और वैल्यू सोसाइटी में उसकी रिस्पेक्ट डिफरेंट तरीके से। ठीक हो गया, आपकी बात को मजीद भी आगे बढ़ाएंगे कि टीचर को उस तरह का मकाम क्यों नहीं मिल पा रहा, इसमें हमारे स्टूडेंट्स की लापरवाही है, हमारी सोसाइटी की है या हमारे टीचर्स की कोई लापरवाही है, इस पर मजीद भी इन डिटेल बात करेंगे, लेकिन वक्त हो जाता है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।
नाज़रीन सच सवेरे में एक दफ़ा फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। और ब्रेक पे जाने से पहले टीचर्स डे हमारा जो कि आज मौजू है उस पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। अगर आप भी हमें लाइव कॉल के जरिए ज्वाइन करना चाहें तो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। अकीला साहब आपकी तरफ आते हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने बात की कि हमारे जो टीचर्स हैं उनके रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, जो हमारे स्टूडेंट हैं उनको चाहिए कि वो टीचर की डेफिनेटली रिस्पेक्ट करें और स्टूडेंट जो टीचर उनको चाहिए कि वो स्टूडेंट से रिस्पेक्ट करवाएं, यानी कि दोनों का बहुत अहम रोल है। तो अभी देखने में आया है और अगर आप भी इस चीज़ से इत्तेफाक करेंगे, बहुत सारे ऐसे टीचर होंगे जिनको याद नहीं होगा कि आज टीचर डे है, बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनको याद नहीं होगा कि आज टीचर्स डे है, हमें अपने टीचर को विश करना है। तो इसमें लापरवाही किस तरफ से ज़्यादा आ रही है, टीचर की तरफ से या स्टूडेंट की तरफ से? देखिए असल में ये होता है कि एक सिस्टम चल रहा होता है और उस सिस्टम के अंदर एक पूरी प्लानिंग होती है। बिल्कुल। और जब आप एक स्टेट के अंदर रहते होते हैं तो ये चीज़ें इंटरलिंक्ड होती हैं एक सक्सेसफुल स्टेट के अंदर। बिल्कुल। लेकिन जहाँ अफरा तफरी वाला माहौल होगा तो वहाँ ज़ाहिर है कि सिस्टम्स डिस्टर्ब होंगे। अच्छा, अब जो उस्ताद या शागिर्द है वो भी इस माशरे से अलहदा चीज़ तो नहीं है। बिल्कुल, वो भी इसी माशरे का हिस्सा है। एग्जैक्टली। अभी जैसे ये क्राइसिस आया पेंडेमिक का और COVID-19 का, हाँ। इसमें देखें कि सबसे ज़्यादा जो मुतासर होने वाला सेक्टर है वो मेरा ख्याल है एजुकेशन है। बिल्कुल। ये आप प्राइमरी से लेके हायर स्टडीज़ तक देखें कि आप किस तरह से एक बच्चे जो हैं वो डिस्टर्ब हैं, उस तरह से रूटीन में जो हमारी ट्रेडिशनल एक सिस्टम था वो नहीं चल रहा। बिल्कुल। लेकिन मैं एक तरह से टीचर्स को प्रेज़ करना चाहूँगी, उनको क्रेडिट देना चाहूँगी कि इन नामसाद हालात के बावजूद भी उन्होंने जैसे ऑनलाइन क्लासेस हैं, बिल्कुल नई चीज़ थी, बिल्कुल विद इन फ्यू डेज विद वेरी शॉर्ट ट्रेनिंग उन्होंने फ़ौरन ऑनलाइन पे पढ़ाना सीखा, हम लोगों ने खुद सीखा, फ़ौरन उस सिस्टम को ऑप्ट किया। वो अच्छा है या बुरा है, इफेक्टिव है नहीं इफेक्टिव, उसके ये एक अलग डिस्कशन है। लेकिन टीचर्स ने फ़ौरन रिप्लेसमेंट दी। बिल्कुल। वो ऑनलाइन बैठ गए, उन्होंने क्लासेस ली। अब जो उसके ड्रॉबैक्स हैं उनको स्लोली ग्रेजुअली ही हम रिमूव कर सकते हैं, वो ऑल ऑफ सडन ही हो गए, किसी के पास कोई मैजिक स्टिक नहीं। इधर हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी फेलियर का बहुत ज़्यादा इशू है, इंटरनेट का हमारे यहाँ उतने एडवांस लेवल पे नहीं है जितने के डेवलप्ड कंट्रीज़ में। तो ये चीज़ें भी जो हैं हमें इनको वन बाय वन जो है वो कंसीडर करना है। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है कि इसमें टीचर और स्टूडेंट का क्या रिलेशनशिप है और किस तरह से, देखें ये टू वे चीज़ें होती हैं, एक वन वे नहीं होती। असल में जो सेमेस्टर सिस्टम अभी यूनिवर्सिटीज़ के लेवल पे चल रहा है उसमें ये होता है कि टीचर इतना इफ़ेक्टिव होना चाहिए कि जब आपका स्टूडेंट क्लासरूम छोड़े तो उसके सर के अंदर हर चीज़ चली गई हो जो आपने डिस्कस की है। अगर नहीं गई तो वो एनुअल सिस्टम है फिर कि जी वो साल के एंड में या टर्म के एंड में पढ़ लेंगे। तो टीचर को इतना स्ट्रांगली इसको करना होता है, उसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों बड़े ज़्यादा बिजी होते हैं। मुझे बाहर रहने का इत्तेफाक हुआ है, वहाँ बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में काम करने का मुझे इत्तेफाक हुआ और उसमें ये चीज़ हमें बाकायदा हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा थी कि हाउ यू शुड मेक योर लेसन और ट्रेनिंग्स वेरी इफेक्टिव, कि किस तरह से आपने ट्रेन करना है। फिर ना रिस्पेक्ट खुद बहुत दिल से जनरेट होना शुरू हो जाती है। सेकेंडली मैंने जैसे सोसाइटी का जिक्र किया, एक सोसाइटी का ट्रेंड होता है, आप अपने बच्चों को जैसे सिखाएंगे वो वैसे, अगर बच्चा घर से माँ बाप का एहतराम करता आ रहा है तो डेफिनेटली वो टीचर का जो है वो रूहानी वालदैन की तरफ तो वो टीचर का भी एहतराम करेगा। तो हमारे घरों के माहौल जो हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। तो स्कूल लेवल से लेके इसके डिफरेंट लेवल्स हैं कि बहुत बचपन से हमें इस ट्रेनिंग का जो है इसको ट्रेनिंग का हिस्सा बनाना चाहिए कि आपने ड्यू रिस्पेक्ट कैसे देनी है किसी को। देखें एक्स्ट्रा रिस्पेक्ट तो चलें आपका दिल चाहता है तो दें ना दें, वो उनकी डीलिंग से मुनासिर है, लेकिन ड्यू रिस्पेक्ट जैसे माँ की एक ड्यू रिस्पेक्ट है वो आपने देनी देनी है, चाहे माँ उस घर की माँ है या मदर इन लॉ या कोई भी है, ड्यू रिस्पेक्ट आपने देनी है। इसी तरह से बाप है तो ड्यू रिस्पेक्ट आपने देनी है, उस्ताद है तो ड्यू रिस्पेक्ट देनी ही देनी है। इसी तरह से माशरे में जो डिफरेंट रोल्स लोगों को असाइन हुए हुए हैं उसके मुताबिक एक ड्यू रिस्पेक्ट है उसके साथ एसोसिएट, वो ड्यू रिस्पेक्ट जो सोसाइटीज़ दे रही हैं आप देख लें कि वो डेवलप हो रही हैं, वो तरक्की कर रही हैं। जैसे आप जैपनीज़ को देख लें, आप कोरियंस को देख लें, आप और जितनी डेवलप यूरोपियन सोसाइटीज़ हैं डिफरेंट, वहाँ पे देखें कि ड्यू रिस्पेक्ट जो है exactly, वो ज़रूर दी जाती है, कोई शक और ये सिखाया जाता है एग्जैक्टली सिखाया जाता है। और हमारे जो वालदैन हैं उनको भी यही चाहिए कि वो बच्चों को ट्रीट करें, उनको गाइड करें। घर से ये चीज़ ये सिलसिला शुरू होता है, तरबियत का जो आगाज़ है वो घर से, वो माँ से शुरू होता है, माँ ने अपने बच्चों की तरबियत करनी होती है। उसके बाद जब वो बाहर निकलता है, घर से बाहर जाएगा, तो डेफिनेटली वो समझ पाएगा कि मैं जैसे घर
घर में बड़ों को इज्जत देता हूँ इसी तरह मैंने बाहर भी सबके रिस्पेक्ट करनी है। तो इस ये जो दर्स का है ये घर से, ये जो सीखने का मरहला है ये घर से स्टार्ट होता है। बासी साहब आपकी तरफ आते हैं, सोसाइटी के अंदर हम बात करें टीचर्स के रिस्पेक्ट की, तो ऐसे कौन से अवामल को इख्तियार करना चाहिए कि सोसाइटी के अंदर टीचर के जो मकाम है, जो टीचर की रिस्पेक्ट है वो हम समझ सकें? जी देखिए, बुनियादी तौर पर तो जैसे अभी आपने बात की कि हमें इस्लाम ये सिखाता है कि उत्लुबुल इल्मा मिनल महदी इलल्लहत, पंगूड़े से गोर तक इल्म हासिल करना हम पर फर्ज कर दिया गया है, हुक्म दिया गया है, बिल्कुल इम्पेरेटिव है। तो उसमें क्या होता है, घर, और घर होता है सोसाइटी का हिस्सा, ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड हैं। बिल्कुल मैंने ऐसी सोसाइटीज़ देखी हैं जहाँ पर जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उससे लेकर उसकी बिल्कुल अब जो बहुत मेच्योर और एल्डरली जो उम्र है उस तक उसको एक चीज़ कामनली ट्रीट किया जाता है जिसको कहते हैं रिस्पेक्ट। बिल्कुल ऐसे। जब आप बच्चे को, जब वो सीख रहा है नेसेंट एज में, उसको रिस्पेक्ट देंगे तो ये मुमकिन ही नहीं है कि वो उस रिस्पेक्ट को दूसरों को ना दे। हमारे यहाँ जो रिफ्लेक्शन किसी भी फील्ड में, किसी भी प्रोफेशन में, किसी भी सिस्टम में नज़र आता है वो इन सब चीज़ों का रिफ्लेक्शन होता है। उस्ताद भी और तालबिल भी दोनों सोसाइटी का हिस्सा हैं। बिल्कुल। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो लोग अपने माँ बाप से, उस पहली दरसगाह से अच्छा दर्स लेकर आते हैं जहाँ से उन्हें रिस्पेक्ट दी जाती है, वो दूसरों को भी रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं। फिर एक बात जो मैं समझता हूँ, अगर आज के लम्हे मौजूद में हम बात करें तो ये जैसे अभी मैडम पैंडेमिक का जिक्र कर रही थी, ये एक दुनिया बदली हुई दुनिया है, इसके बावजूद एक मजबूरी हमारे यहाँ आ गई कि हमने गैजेट्स जो हैं वो मॉन्टेसरी से लेकर और पीएचडी तक के स्टूडेंट्स के हाथ में दे दिए। उस गैजेट्स को इस्तेमाल करने के लिए कुछ जो इब्तदाई मॉनिटरिंग और उसके एथिक्स की जरूरत थी वो कहीं नजर नहीं आते। बिल्कुल ठीक हो गया, आपकी बात को मज़ीद भी हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन चूंकि अभी ब्रेक पे जाना है, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, सच सवेरा में एक दफ़ा फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। और ब्रेक पे जाने से पहले अपने मेहमानों से गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। आज चूंकि 5 अक्टूबर है, टीचर डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, और इस टॉपिक पे भी बात की जा रही है कि क्या सिर्फ ये दिन मनाना ही काफ़ी होगा, और इसके साथ साथ इस मौजू पर भी डिस्कशन का सिलसिला जारी है कि उस्ताद काम सोसाइटी के अंदर क्या मकाम होना चाहिए। और अगर दूसरे रुख की हम बात करें तो एक नारा है, मार नहीं प्यार, क्या इस वजह से हमारे जो स्टूडेंट हैं वो टीचर का एहतराम नहीं कर पा रहे, टीचर को वो मकाम हासिल नहीं हो पा रहा जो एक होना चाहिए। इन तमाम टॉपिक्स पे आज गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। अगर आप भी हमें इस टॉपिक पे ज्वाइन करना चाहें, अपनी राय का इजहार करना चाहें, तो लाइव कॉल के जरिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं। स्टूडियो में मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, अकीला आसिफ साहिबा हमारे साथ हैं, उनके साथ तशरीफ़ फरमाएं, डॉक्टर अब्दुल बासित मुजाहिद साहब उनके साथ तशरीफ़ फरमाएं जी, डॉक्टर समीना मलिक साहिबा, आप तीनों का बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया हुआ। डॉक्टर साहब ब्रेक पर जाने से पहले हम आपसे गुफ्तगू कर रहे थे, तो आप अपनी बात कंटिन्यू जी। मैं अर्ज़ कर रहा था कि ये जो ड्यूरिंग पैंडेमिक जो चैलेंजेस हैं इस एजुकेशन सेक्टर को, उसमें एक ये है कि हमने बिल्कुल स्कूल गोइंग बच्चा जो है बहुत अर्ली क्लासेस में हमने गैजेट्स उनको पकड़ा दिए। बिल्कुल। और फिर चेक सिस्टम नहीं है, हम जब बात कर रहे थे ना उस्ताद के मकाम की, स्टूडेंट की, तो ये सारा जो इस वक्त सोसाइटी के अंदर इशू है उसमें ये देखना चाहिए। जो हमने जो अपने बड़ों से जो बात सुनी थी कि सोने का नवाला खिलाओ और शेर की आंख रखो, हाँ। ये बहुत डिसिप्लिन रहना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और वो डिसिप्लिन घर से आता है और फिर उसको ग्रूम करते हैं इंस्टीट्यूशंस। बिल्कुल ऐसे। ये दोनों का रोल जब तक साइमल्टेनियसली साथ साथ नहीं चलता तो ना सोसाइटी में उस्ताद का मकाम उस तरह से रहता है ना स्टूडेंट का रहता है। हम तो उस तहजीब का हिस्सा हैं जिसमें ये कहा गया कि जब कोई तालबे इल्म हुसूल इल्म के लिए निकलता है तो फरिश्ते उसके कदमों में पर बिछाते हैं। बिल्कुल। हमें ये बात बताई गई
कि सिर्फ एक बायोलॉजिकल फादर ही फादर नहीं होता, बल्कि उस्ताज भी और फादर इन लॉ भी जो है उसकी भी हुई रिस्पेक्ट दी जानी चाहिए। ये देखिए ना, ये वो तहजीब थी जिससे हम गुजर के आए, और अल्लाह के फजल से हम ऐसे असातज़ा से मिले हैं। मैं नाज़रीन को ये बात बताते हुए और अपने असातज़ा को ये ट्रिब्यूट पेश करता हूँ कि मैं जिस इदारे में पढ़ा हूँ, हम अपने उस्ताज को सर कहने की बजाय हम आगा जान कहते हैं। आगा जान, बिल्कुल। वो रिस्पेक्ट क्या है जो जो हमारी सोसाइटी है उसके अंदर आगा जान पेरेंट को कहा जाता है, ग्रैंड पेरेंट को कहा जाता है। अच्छा, वो जो टीचर कहने में, सर कहने में, वो इतना अटैचमेंट फील नहीं होती जितना अटैचमेंट चूंकि आप किसी सीनियर कॉलीग को भी कहते हैं सर या मैम कहते हैं। बिल्कुल। जब आप उनको वो रिस्पेक्ट देते हैं कि आगा जान, अब देखें वो इट साउंड्स वेरी डिफरेंट। अच्छा, फिर वो भी ओनरशिप होती है। ऐसे मैं ये समझता हूँ कि उस्ताद को सबसे पहले तो एक अच्छा इंसान होना चाहिए, फिर एक बहुत अच्छा अपने सब्जेक्ट में, अपने डिसिप्लिन एक्सपर्ट होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे। फिर उसे पता होना चाहिए कि मेरे जो जिस लेवल को मैं पढ़ा रहा हूँ उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। बिल्कुल। और मेरा काम सिर्फ वो किताबें और वो सिलेबस और वो करिकुला कवर करना नहीं है, बल्कि मेंटोरिंग है। और मेंटोरिंग वही लोग कर सकते हैं जिनकी अपनी मेंटोरिंग हुई होती है, उन्हें ऐसे असातिज़ा मिलते हैं। ये एक चेन है। और जो हमारी तहजीब है, उस तहजीब में तो क्या है, मुसलमान दुनिया में वो वाहिद ऐसे मजहब के फॉलोअर लोग हैं जिनके हाँ जो हम हदीस का नॉलेज हम तक पहुंचा है ना, उसमें एक पूरी चेन ऑफ अथॉरिटी है और अस्मा और रिजाल, हमें एक एक उस फर्द का पता है जिसके हवाले से हम तक पहुंचा है। बिल्कुल। मुझे अपने असातिज़ा की चेन ऑफ अथॉरिटी का पता होना चाहिए कि वो किस उस्ताद से पढ़े हुए थे। बिल्कुल। और उस पे जो मैं प्राइड फील करता हूँ, मैं आपके इस प्रोग्राम के तवस्सुल से नाज़रीन को बताना चाहूंगा कि मैंने अपने जो ग्रैंड टीचर्स थे ना, दादा असातिज़ा, उनसे मैं मिला हूँ। और जब मैंने उनको एक दफा बता दिया कि सर मैं आपके शागिर्द का शागिर्द हूँ, तो मैंने बिल्कुल ग्रैंड पेरेंट जैसी मोहब्बत उनसे पाई है। जबरदस्त। तो ये टू वे है। बिल्कुल। और इस टू वे को अगर हम एंजॉय करना शुरू करें ना, इसका टेस्ट डेवलप कर लें, तो ये एक बिल्कुल इसका औरा मुख्तलिफ है। Exactly. बहुत ही खूबसूरत रिश्ता बन जाता है, सिलसिला होता है। इसीलिए रूहानी उस्ताद कहा जाता है कि स्पिरिचुअलिज्म उस्ताद से शागिर्द में ट्रांसफर। Exactly. कोई शक नहीं, बहुत ही खूबसूरत सा रिश्ता डेवलप हो जाता है, चूंकि टीचर एक रूहानी बाप का दर्जा भी रखता है। तो डेफिनेटली हम सब पे लाजम है कि हम एक आला मकाम उनको दें, उनकी वही रिस्पेक्ट करें जो हम अपने पेरेंट्स की करते हैं, क्योंकि पेरेंट्स के साथ साथ हमारी जो तरबियत है वो हमारे टीचर्स भी करते हैं। डॉक्टर साहब, आपकी तरफ आते हैं, अगर हम बात करें हमारे टीचर्स के हकूक और फराइज की, तो हमारे टीचर के कौन से हकूक हैं और कौन से फराइज हैं, ताकि टीचर और स्टूडेंट दोनों का जो रिलेशन है वो जितना खूबसूरत है उतने ही वो बेहतर तरीके से उभर के सामने भी आए। बात ये है कि जब हम अपने कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, अपने माशरे में बात करते हैं, अपने मुल्क की बात करते हैं, तो हमारे यहाँ आज तक टीचर को वो मकाम नहीं मिला जिसका वो हकदार है। बिल्कुल। और इसमें मैं ये समझती हूँ कि हमने अपने टीचर बनाने में भी, गवर्नमेंट लेवल पे भी, और माशरे ने वो अपना किरदार अदा नहीं किया। इसमें ताल्लुक बनता है कि हम क्या टीचर्स की तरबियत में, टीचर्स को बनाने में वो वाला काम कर रहे हैं, किस तरह की हमने उनकी ट्रेनिंग की है, किस तरह के उनको कोर्सेज पढ़ाए हैं, किस तरह की उनकी इंडक्शन की है, क्या हमने देखा है कि किसी को टीचर बनाने के लिए, बिकॉज हमारे यहाँ तो आज भी वही कल्चर चल रहा है कि जिसको किसी और प्रोफेशन में जॉब नहीं मिल रही तो उसने अल्टीमेटली टीचर बन जाना है। अगर वो कुछ और नहीं बन सकता तो बस एक उसके पास शोभा है कि मैं टीचर बन टीचर मतलब बहुत आसान। उसकी इंटरप्रिटेशन क्या है, उसकी इंटरप्रिटेशन ये है कि आसान है, आसान, और कोई इसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, और आराम से आपको सैलरी एक स्पेसिफिक लेवल की मिल जाएगी। सबसे अहम शोभा ही टीचर है, क्योंकि आप डॉक्टर बनेंगे, वकील बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, टीचर बनेंगे। इसको हम एक प्रोफेशन तो कहते हैं, लेकिन क्या बाकी प्रोफेशन की तरह हम इसमें लोगों को भर्ती करने से पहले, उनकी इंडक्शन से पहले हम उन क्राइटेरियाज को मीट करते हैं जो कि बाकी प्रोफेशन में करते हैं, मेडिकल ले लें, इंजीनियरिंग ले लें, या दूसरे और जो प्रोफेशन है, ऐसा नहीं होता। जिस तरह से मैंने पहले कहा कि इसमें वो लोग आते हैं जिनको और किसी चीज़ में एडमिशन नहीं मिलता, और हम उनको अब जो बच्चे
इस एप्टीट्यूड के साथ आते हैं कि हमें चलो कुछ ना कुछ तो ये डिग्री मिल जाएगी, उनसे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कल क्लास में जाकर अपने स्टूडेंट्स के साथ, बिकॉज वो बाय चॉइस नहीं आए, ये उनको हालात ने, सर्कमस्टांसेस ने उनको टीचर बना दिया है। तो जो लोग अपनी चॉइस से इस प्रोफेशन में आएंगे उनकी आज भी रिस्पेक्ट होती है, उनकी उनको अपनी जिम्मेदारियों का आज भी एहसास होता है। डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा फरमाया कि आज के दौर में बच्चों को सिर्फ सिलेबस पहुंचाना, उनकी उनको नॉलेज देना सफिशिएंट नहीं है, अनटिल अनलेस एक टीचर एक पर्सनालिटी को, इंडिविजुअल्स को की मुकम्मल तरबियत नहीं करता, एज अ मेंटोर अपना रोल प्ले नहीं करता, और इस रोल को प्ले करने के लिए उसको खुद से एक मेंटोर होना चाहिए और उसके अपने मेंटोर्स होने चाहिए, यानी उसकी ऐसी अपनी तरबियत हुई भी हो और वो इतना आप उसकी पर्सनैलिटी कंप्लीट हो कि वो स्टूडेंट्स की पर्सनैलिटी के तमाम पहलुओं को पॉलिश कर सके, ग्रूम कर सके। अदरवाइज किताबों की हद तक तो अब जिस तरह से अभी डिस्कशन में आया है कि एक्सप्लोजन ऑफ नॉलेज इतना ज्यादा है, वो कहीं से भी ले सकते हैं, वो बच्चे कैसे उठते हैं बैठते हैं, कितना वो अपने वैल्यू सिस्टम को, अपने जो रिलीजियस सरदार हैं उनको लेके चलते हैं, ये टीचर वही ट्रांसमिट करेगा जिसके अंदर अपनी चीजें एग्जिस्ट अपनी तरबियत हुई। इसके साथ साथ बच्चा फिर वो वाला खुद बहुत रिस्पेक्ट देगा, बिल्कुल, जो टीचर अपना रोल प्ले करेगा। मैं नहीं मानती ये जो आजकल बात बड़े कॉमन एक चला हुआ है कि आज रिस्पेक्ट नहीं है, मैं ऐसा नहीं मानती। अच्छे टीचर्स की जो अपनी चॉइस से आए हुए हैं, जो अपना टाइम, अपनी एनर्जीज, अपनी टीचिंग को प्रॉपर फोकस करते हैं, अपने आप को अपडेटेड रखते हैं, उस टीचर की आज भी उसी तरह से रिस्पेक्ट है। बच्चे बिल्कुल जो आज से कई साल पहले हमारे पेरेंट्स कोर्ट करते थे, उन टीचर को बच्चे अभी भी रिस्पेक्ट करते हैं। बिल्कुल, यानी कि मेजर इसमें बात यही है कि चेक एंड बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, उसके साथ साथ एक टीचर की तरबियत भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मैटर करती है कि जो टीचर स्टूडेंट की तरबियत करने जा रहे हैं, जो स्टूडेंट का मुस्तकबिल बनाने जा रहे हैं, उनका अपनी जो उनकी तरबियत है वो कैसी हुई, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अकीला साहब आप इस बात पे क्या कहती हैं? देखिए ये बड़ी ही इम्पोर्टेंट बात है कि असातिज़ा जो हैं वो एक सोसाइटी के लिए रोल मॉडल की हैसियत रखते हैं, वो ऐसा मिसाली किरदार होते हैं जिनको के बच्चे जो हैं, चाहे वो स्कूल लेवल पे हैं, प्राइमरी स्कूल में हैं, सेकेंडरी स्कूल में हैं, हायर सेकेंडरी में हैं, कॉलेज में हैं, यूनिवर्सिटी में हैं, बच्चे उनको आइडियलाइज करते हैं। बिल्कुल, और जो आइडियल वही चीज़ बनती है जो कि खुद काफ़ी हद तक परफेक्ट हो। बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट तो सिर्फ रब की ज़ात है, हर इंसान में कोई ना कोई खामी हो जरूर होती है, इंसान है, गलती का पुतला है, गलती का पुतला है, लेकिन ये है कि टीचर्स के लिए स्पेशली जो है ये एक रिस्ट्रिक्शन है कि उनको उनका किरदार जो है वो मिसाली होना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने नई नस्ल की तरबियत की जिम्मेदारी निभानी है, और ये जिम्मेदारी ऐसी है जो कि आपकी पूरी कौम को तरक्की की तरफ भी लेके जा सकती है और तनज़ली की तरफ भी लेके जा सकती है। जहाँ तक बात है, क्योंकि मुझे बहुत सारे और मुल्कों में जाने का इत्तेफाक हुआ, अल्लाह का शुक्र है कि मैंने बड़ा स्टडी किया, और जब आप रिसर्चर की हैसियत से चीज़ों को देखते हैं तो उसमें जो मेरी रिसर्च है उसमें जो मैंने कंक्लूड किया है वो ये है, खुशी की बात यह है कि पाकिस्तानी तालिबे-इल्म इस वक्त भी सारी कुबातों, सारी कमज़ोरियों के बावजूद भी एक मिसाली तालिबे-इल्म है, क्योंकि ये तलबा बहुत मेहनती हैं, मेंटली ये बहुत आगे हैं, हालांकि इनको फैसिलिटीज़ उस तरह से नहीं मिली हुई जैसे कि डेवलप्ड कंट्रीज़ में होती हैं। बिल्कुल, इसके अलावा जैसे कि अभी भी बात हुई कि जो असातिज़ा वाकई अपने शोबे के साथ डेडिकेशन से काम कर रहे हैं वो वाकई सच्ची जो इज़्ज़त है उनको होके अपने फील्ड में काम कर रहे हैं, अपने काम को बहुत अच्छे से सर अंजाम दे रहे हैं, तो आज भी उनके रिस्पेक्ट की जा रही है। इस मौजू पे मजीद भी इन डिटेल बात करेंगे, लेकिन वक्त हो जाता है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।
बैक नाजरीन, सर से और एक दफ़ा फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। और ब्रेक पे जाने से पहले अपने मेहमानों से गुफ्तगू का सिलसिला जारी था कि टीचर का सोसाइटी में क्या मकाम होना चाहिए, और इसके साथ साथ चूँकि आज टीचर डे भी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, और जो हमारे स्टूडेंट हैं उनको बताना, आगाह करना, उनके अंदर अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह जैसे आप अपनी फैमिली के घर में अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करते हैं, इसी तरह आपके जो टीचर्स हैं वो भी आपकी उसी पेरेंट्स की तरह हैं, वो भी आपकी तरबियत करते हैं, सोसाइटी में आपको सर्वाइव करने के लायक बनाते हैं, तो उनके रिस्पेक्ट करना भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो अगर इस टॉपिक पे आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं, तो लाइव कॉल के जरिए ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पे मौजूद है। जी बासे साहब, आपकी तरफ आते हैं, जैसे कि एक नारा भी है, मार नहीं प्यार, आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि इसके पीछे कोई बहुत गहरा राज भी हो सकता है। तो आप क्या समझते हैं कि मौजूदा दौर के अंदर जो टीचर्स की रिस्पेक्ट कम हो रही है या अहमियत कम हो रही है, उसके पीछे ये वजह है कि वो बच्चों को डांट नहीं सकते, बताइए। देखिए असल में मैं हर चीज़ में रहनुमाई लेने का कायल हूँ अपनी अपने दीन के साथ। जी जी। तो हमें कहा गया कि खैरुल उमूरी औसतुहा, दरमियान का रास्ता जो है ना वो सबसे बेहतरीन होता है। ना तो वो बहुत सारे ऐसे केसेस हमारे सामने आते हैं कि बच्चे जो है ना वो फौत हो जाते हैं, बच्चों के नील पड़ जाते हैं, बच्चों की हड्डियां टूट जाती हैं, ये इनह्यूमन रवैया है। दूसरी तरफ ये कि आप स्टूडेंट को अपना बॉस समझें, टीचर उसको इतनी रिस्पेक्ट दे कि वो जो कुछ मर्जी करता रहे, ऐसे इंस्टीट्यूशंस भी हैं कि जिनमें बहुत सारी ऐसी बातें बच्चे कर रहे होते हैं और टीचर को ये इख्तियार नहीं होता कि वो उनसे ये भी कहे कि आप क्लास में बैठे हैं, तो मैं उसका कायल भी नहीं हूँ। और मैं एक सिंपल सी जो मैं समझता हूँ कि आज के ज़माने में इस 21वीं सदी के अंदर भी जी जी, खा वो स्कूल की क्लास हो या वो PhD का कोर्स वर्क हो रहा हो, अगर टीचर क्लास को एडमिनिस्टर नहीं कर सकता तो वो कुछ डिलीवर नहीं कर सकता। ये मेरा ख्याल है। सही। और उसको एक सिंपल सी जो मिसाल है उससे मैं समझाऊंगा, जो आज हम पूरी एक कंपेन, एक नेशनल हमारी कंपेन है कि लोगों को वैक्सीनेटेड होना चाहिए। जी जी। अब ये क्या है, इसके पीछे क्या है? अगर इसको ये कहा जाए कि नहीं 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 जी, वो तो सुई लगेगी और तकलीफ होगी, अगर उस सुई की तकलीफ का हमने एहसास न किया जी जी, तो फिर आप देख लें कि जब अल्लाह ताला सबको महफूज रखे, सब सारी इंसानियत को महफूज रखे, जब वेंटिलेटर पर इंसान तड़प रहा होता है, अगर वो उस वक्त की वैक्सीन लगा ले तो वो इससे बहुत इम्कान है कि जो एक्सपर्ट्स बताते हैं कि 10 गुना कम इम्कान है कि वहां चला। बिल्कुल। तो मैं इसी तरह समझता हूँ कि हमने जिन असातिज़ा से पढ़ा है वो उनके एक रिस्पेक्ट भी होती थी, उनको ये इख्तियार होता था बिल्कुल ऐसे कि वो बच्चे को, जैसे अपने बच्चे को जिस वक्त आप समझते हैं कि इस वक्त इसको डांटने की जरूरत है, इस वक्त इसको चपत लगाने की जरूरत है, बिल्कुल। वो उसको कोई इंतकाम नहीं लेना होता था, उसे सिर्फ ये एहसास करना होता था कि ये आप ठीक नहीं कर रहे हो। बिल्कुल। मुझे आज भी याद है कि हमारे एक उस्ताद मोहतरम हुआ करते थे, हम उन्हें ईद मोहम्मद आगा जान के नाम से याद करते हैं, अल्लाह ताला उनकी कब्रों पर जो है ना वो हजार रहमतें नाजिल करे। तो वो 3-4 पीरियड्स हमारे लिए करते थे। सही। वो क्या था, वो जब जो वही टीचर ये इख्तियार रखता है कि वो सख्ती भी किसी वक्त करे जी जी। कि जो खुद बहुत कमिटेड होता है, वो पूरी क्लास की 4-4 कॉपीज रोजाना चेक करते थे। बिल्कुल ऐसे। एक एक स्पेलिंग मिस्टेक चेक करते थे। बिल्कुल। और फिर मुझे आज भी वो स्पेलिंग्स याद है जिसमें पता होता था कि ये अगर स्पेलिंग ठीक नहीं हुए तो बैग पड़ जाना है। ऐसे। लेकिन वो ये नहीं था कि वो एक हल्का सा एक इशारा होता था, इशारा था कि ये आपको वैक्सीन लग रही है ताकि कल को आप मुआशरे के अंदर वो जाके ना भुगते। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन मैं मैडम की जो बात है उसको सेकंड करता हूँ कि एक तो ये देखने की जरूरत है कि एप्टीट्यूड देखा जाए। हर कोई उस्ताद नहीं बन सकता, जैसे हर कोई डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बन सकता या रिलीजियस स्कॉलर नहीं बन सकता, तो टीचर के लिए भी क्राइटेरिया होना चाहिए। बिल्कुल। और फिर उस शख्स को आना चाहिए जो अपनी फर्स्ट चॉइस के साथ आए, वो फिल्टर्स होने चाहिए कि उसके अंदर वो पैशन हो। एक शख्स बहुत अच्छा रिसर्चर हो सकता है लेकिन शायद वो बहुत अच्छा टीचर नहीं हो सकता, नहीं बन सकता। टीचर को ओरेटर होना चाहिए, टीचर को एक आर्टिस्ट होना चाहिए। ये एक स्टेज होता है क्लास, आपको लोगों की आंखों के जरिए से उनके दिल में उतरना होता है। और आज भी जो आप बच्चों के जब चेहरे देख रहे होते हैं ना, वो आपका फीडबैक होता है। बिल्कुल। वो उनके चेहरे, उनके आंखों में जो वो जो तरी आ रही होती है, वो चमक आ रही होती है, उनके चेहरों पर मुख्तलिफ रंग आ रहे होते हैं, वो आपको बता रहे होते हैं
कि वो क्या किस हद तक आपके साथ चल रहे हैं, और फिर उस वक्त इंसान के रुएं रुएं से ये सदा बुलंद हो रही होती है कि ये हम असल में ट्रिब्यूट पेश कर रहे होते हैं अपने असातिज़ा को जिन्होंने हमें ये नॉलेज सिखा, ये ग्रूमिंग की, ये बताया अपने किरदार से, बताया अपने औसाफ से, बताया कि कैसे ख्याल रखना होता है। ख्याल रखना सिर्फ ये नहीं है कि सर पर, जैसे हम अभी बात करते हैं ना कि बच्चे आजकल अपने पेरेंट्स के कंधों पर और सर पर हर वक्त सवार होते हैं, ये फिर ये कौन सी तहजीब है? ये हमारी तहजीब नहीं है। ऐसे प्यार मोहब्बत किया जा सकता है लेकिन नॉट ऑल द टाइम। उन्हें ये पता होना चाहिए कि घर का, घर के अंदर जो पेरेंट्स हैं उनकी बात हर्फ आखिर है। एग्जैक्टली उनकी। और ये एक बात पे मैं इसको कंक्लूड करता हूँ कि मैं इस तवस्सुत से आपके प्रोग्राम में तवस्सुत से बताना चाह रहा हूँ कि पेरेंट्स और टीचर से ज्यादा आपका मुखलिस कोई नहीं हो सकता। बिल्कुल, कोई शक नहीं। एग्जैक्टली, कोई शक नहीं। तालीम और तरबियत बहुत ज़रूरी है और वालदैन और इसके साथ साथ टीचर का बहुत ही अहम रोल है। इस मौजू को मजीद भी आगे बढ़ाएंगे, इन डिटेल बात भी करेंगे, लेकिन वक्त हो जाता है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, सरसवरम एक दफ़ा फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। अपने मेहमानों से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। टीचर्स डे पे आज बात की जा रही है, टीचर के मकाम पे बात की जा रही है, उनकी अहमियत पे बात की जा रही है। अगर आप भी हमें ज्वाइन करना चाहें तो लाइव कॉल के लिए ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पर मौजूद हैं। डॉक्टर समीना साहब, आपकी तरफ आती हूँ। अगर हम बात करें टीचर्स की प्राइवेट सेक्टर्स में, जो हमारी प्राइवेट अकेडमीज़ हैं, प्राइवेट अदारे हैं, उनकी बात करें और इसी के साथ रिलेट कर लेते हैं गवर्नमेंट को भी, तो वहाँ पर टीचर का जो मकाम होना चाहिए, जो रिस्पेक्ट होनी चाहिए, उनको वहाँ पर वो मिल रही है या नहीं? प्राइवेट आप अकेडमीज़ की बात कर रहे हैं और प्राइवेट स्कूल्स जो हमारे गली मोहल्ले में खुले हुए हैं, वहाँ पर आपका क्वेश्चन ये है कि वहाँ पर टीचर को वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही? बिल्कुल। बात रिस्पेक्ट की से हट के है कि वहाँ पर हमारे वो टीचर्स जाते हैं जिन्होंने, जिनके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं होती, वो और एकेडमी का कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल नया है जी, अभी आज के दौर की पैदावार है। हमारे टाइम पर कोई एकेडमीज़ नहीं होती थी, स्कूल कॉलेजेस सफिशिएंट होते थे, इतने ज़्यादा कंप्लीट वहाँ पर बच्चे को तालीम दे दी जाती थी। और बल्कि मैं ये कहूँगी कि हमारे टाइम पर उस बच्चे को जिसको ट्यूशन भेजा जाता था वो उस बच्चे को नालायक कहा जाता था। आज इतना क्राइटेरिया डिफरेंट हो गया है कि जिन दो बच्चे एकेडमी नहीं जाते उनको कहते हैं, उन थोड़ा सा डिफरेंट बिहेव किया जाता है और ट्रीट किया जाता है। तो आप जब बात कर रही हैं उन प्राइवेट स्कूल के टीचर्स की, तो वहाँ पर क्योंकि प्राइवेट सेक्टर है, उसके उनसे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं, मनी जनरेटिंग इंस्टीट्यूशंस बन गए हैं, बिल्कुल कमर्शियलिज्म, हमारी एजुकेशन कमर्शियलिज्म पर चली गई है। Exactly. तो वहाँ पर ट्रीटमेंट टीचर से डिफरेंट होगा। अब अगर हम ये डिफरेंट टीचर को ट्रीट कर रहे हैं, उनको फाइनेंशियली सपोर्ट भी नहीं करते, हर लिहाज से उनके साथ मतलब ऐसे उन पे दबाव डाला जा रहा है कि हाँ आप अब हमने, आपने सांस भी लेनी है तो हमारी मर्जी से लेनी है, यानी कि टीचर का कोई अपना मकाम नहीं रहा। उसका देखिए रीज़न यही है ना कि प्राइवेट सेक्टर है। हाँ। प्राइवेट सेक्टर लिंक करता है कि जी हर चीज़ को आप करते हो पैसों के साथ, एक बिजनेस बना दिया, बिजनेस बना दिया गया है। तो उनके उनको हर सूरत में उनसे मैक्सिमम टीचर से लेना है और उनको बिकॉज उनको उनकी वीकनेस पता है, उनको 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 कम वेजेस के जरिए वो लोग हायर कर लेते हैं और उनसे मैक्सिमम वो काम लेते हैं। तो बेहतर ये है कि वो इंडिविजुअल्स जो अपने क्लेम करते हैं कि हम टीचर्स हैं, वो अपनी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज को इंक्रीज करें, इनहांस करें और किसी ऐसे बेहतर इदारे में जाएं जहां पर, बिकॉज टीचर रिस्पेक्ट के बगैर, टीचर अच्छी वेजेस के बगैर ये ज़रूरत है। सही। इन चीज़ों को हम डिनाइल नहीं दे सकते, इनको हम इनकार नहीं कर सकते। सही। तो वहाँ उनको ज्वाइन करें ताकि हम डिस्करेज करें, हम इन इंस्टीट्यूशंस को, हम ऐसे प्राइवेट सेक्टर को जो सिर्फ और सिर्फ कमर्शियलिज्म पे रन हो रहे हैं। अब आप अगर बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर की या यूनिवर्सिटीज में या कॉलेजेस में, वहाँ पर भी टीचर हमारा असल में, तो जो हम सुबह से काफ़ी देर से डिबेट कर रहे हैं, टीचर के लिए तो ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि उसको कुछ चेक करें। बिल्कुल। टीचर तो अपनी असेसमेंट खुद कर रहा होता है। ऐसा ही है। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ टीचर वो टीचर नहीं है जो अपनी फर्स्ट चॉइस पे, जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया था, फर्स्ट चॉइस पे आया है जो
इतना ज्यादा मोटिवेशनली इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड है टुवर्ड्स हिज और हर प्रोफेशन कि उसको, तो वहां पर पब्लिक सेक्टर में भी बहुत बड़ी कबाहत है, वो एक अलग एक्सट्रीम है कि उस टीचर को पता है कि मेरी ये परमानेंट जॉब है, मुझे यहाँ से किसी ने छेड़ना नहीं है, मेरे पर कोई चेक नहीं है, तो दोनों एक्सट्रीम है। और बाहर के मुल्कों में जो कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स हैं वो बड़ी सक्सेसफुल हैं, और वो बेस करती हैं आपकी परफॉर्मेंस पर, जितना अच्छा परफॉर्म करोगे उसके अकॉर्डिंगली आपकी एक्सटेंशन होती जाती है। सही। पाकिस्तान में ये जो मॉडल अपना परमानेंट जॉब का है इसकी वजह से भी बहुत ज्यादा डिटोरिएशन हो रही है, और जब तक इसके अंदर चेक और इसके अंदर अमेंडमेंट नहीं होगी, परफॉर्मेंस बेस्ड प्रमोशंस नहीं होंगी, हमारा सिस्टम इंप्रूव नहीं कर सकेगा। बिल्कुल, ऐसे चेक एंड बैलेंस होना बहुत जरूरी है। इसी में लास्ट में अपना मैसेज इंक्लूड कर दीजिएगा हमारे नाज़रीन के लिए। मैसेज ये है जी कि इस प्रोफेशन को प्रॉपर प्रोफेशन का स्टेटस दिया जाए। उस स्टेटस के लिए एज एन एजुकेशनिस्ट मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि हमारा इंडक्शन क्राइटेरिया बिल्कुल ऐसे ही हो जो किसी भी अच्छे टॉप के प्रोफेशन का होता है। ठीक है, लोग प्रॉपर एप्टीट्यूड वाले आए, एप्टीट्यूड टेस्ट होना चाहिए, क्राइटेरिया सख्त होना चाहिए। सही। और फिर उसके बाद सेकंड पे आता है कि हमारा सिलेबस इतना अपडेटेड हो कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो मार्केट डिमांड, जो हमारा आज का मुआशरा जो मांग रहा है, हमारी आने वाली जनरेशन को जो हमने देना है, उस पैटर्न पर हमारा सिलेबस हो, ताकि हम अपनी जो इंडक्शन के बाद अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं उसके तहत उनको पढ़ाया जाए, तो हमारा एक अच्छा टीचर प्रोड्यूस होगा। ये सबसे बेस्ट, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल जी। जी अकीला साहब, आप क्या मैसेज देंगे हमारे नाज़रीन के लिए? जी, मेरे लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए वो एक अलग बहस है, लेकिन इस वक्त जो है उसको हम किस तरह से बेहतर कर सकते हैं, तो उसमें सबसे पहले ये कि डेडिकेशन जो है वो पहली रिक्वायरमेंट है, चाहे टीचर प्राइवेट सेक्टर का है चाहे टीचर गवर्नमेंट सेक्टर का है। अगर उसे अपने अपना काम डेडिकेशन के साथ करना आता है तो वो डेफिनेटली डिलीवर करेगा। बिल्कुल। क्योंकि इस वक्त अगर आप चाहते हैं कि आपका मुल्क और कौम तरक्की करे तो आपको अपनी टीचिंग लेवल जो है उसको बेहतर करना होगा। टीचर्स की कारकर्दगी जो है एक सेल्फ चेक भी है और एक कोई क्राइटेरिया जो जॉब में है, क्योंकि पिछले कुछ सालों से खासतौर पर हायर एजुकेशन में क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्च पे तवज्जो दी गई है तो वहाँ पे टीचिंग जो है वो मुतासर हो रही है। तो टीचिंग को अगर आप मेयार बनाएंगे, तरक्की का मेयार बनाएंगे या उसमें कुछ इंसेंटिव्स होंगे तो डेफिनेटली टीचिंग लेवल जो है इंप्रूव होगा और आपको उसके रिजल्ट्स भी अच्छे मिलेंगे। जी डॉक्टर साहब, आपका क्या मैसेज है? टाइम बहुत शॉर्ट है और शॉर्ट सा मैसेज। मैं ये समझता हूँ कि जो एतदाल का रास्ता है उसे इख्तियार करना चाहिए, एक बैलेंस्ड पॉलिसी, एक बैलेंस्ड टीचर और एक बैलेंस्ड स्टूडेंट एक बैलेंस्ड माशरे की तश्कील करता है। बिल्कुल जी, कोई शक नहीं। थैंक यू सो मच आप तीनों मेहमानों का आपने वक्त दिया, और यकीनन जब सोसाइटी के अंदर किसी के काम भी अंदर आप चेक एंड बैलेंस रखते हैं तो ऑटोमेटिकली जो बेहतर से बेहतरीन काम है वो सामने आता है, और जब किसी भी शोबे ज़िंदगी में आप रिस्पेक्ट देते हैं तो उसके साथ आपको मज़ीद कामयाबी मिलती है। और कहते हैं कि हमें रिस्पेक्ट चाहिए, आपको रिस्पेक्ट तभी मिलेगी जब आप किसी को रिस्पेक्ट देते हैं। आप घर से अपनी तरबियत का आगाज़ करते हैं, आप बाहर सोसाइटी में निकलते हैं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तो उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि घर के अंदर से आपकी एक बेहतरीन तरबियत का आगाज़ हो जाए, उसके बाद ही आप सोसाइटी में सर्वाइव कर सकेंगे, आप एक आला मकाम हासिल कर सकेंगे। और टीचर का आला मकाम हम सबको ही अंदाज़ा है कि वो एक बहुत आला मकाम रखते हैं। इसी के साथ खुश रहें, खुशियाँ बांटें। दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे कुछ मुख्तलिफ मौजूआत के साथ। इसी के साथ अपने होस्ट महविश चौधरी को दीजिए इजाज़त। आला नेगेबान।